अस्पताल में हो चाहे वो प्राइवेट अस्पताल में हो। कोरोना के बढ़ते संकट के बीच दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। ये वीकेंड कर्फ्यू शुक्रवार रात 10 बजे से शुरू होगा और सोमवार सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। ये फैसला तब किया गया है जब दिल्ली में पिछले दिन ही 17,000 से ज्यादा नए केस आए हैं और इसने अब तक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वीकेंड कर्फ्यू को लेकर अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि जरूरी सेवाओं को इसमें छूट दी जाएगी। शादी की तारीख जिनकी तय है उनके पास लेना होगा, लेकिन मॉल, जिम, स्पा, बाजार ऐसी दूसरी चीजें जिस पर पाबंदी लगी रहेगी। सिनेमा हॉल भी अपनी कैपेसिटी के 30% के हिसाब से ही चलाए जा सकेंगे। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला दिल्ली सरकार ने किया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू के नेता केसी त्यागी हैं। दिल्ली सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला कर लिया, इसके अलावा मॉल, जिम, स्पा भी बंद रहेंगे अगले आदेश तक, कैसे देखते हैं? दिल्ली में हालत गंभीरता की तरफ जा रहे हैं। अस्पतालों में भीड़ बढ़ गई है, शमशान घाट में लंबी लाइन लगी हुई है, कई जगहों पर ऑक्सीजन की कमी के भी समाचार मिले हैं और इस संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए दिल्ली सरकार के द्वारा उठाए गए इन सख्त कदमों का हम स्वागत करते हैं। स्थिति भयानक है और भी ज़्यादा फैलने की संभावना है, इसलिए प्रदेश के हित में, जनता के हित में ये कदम बहुत आवश्यक है। दिल्ली में लोगों को कोरोना से जागरूक करने के लिए पुलिस ने एक अनोखा तरीका निकाला है। दिल्ली पुलिस ने कोरोना के खतरे से लोगों को अलर्ट करने के लिए सड़क पर कुछ कलाकारों को उतार दिया, जो यमराज और यमदूतों की वेशभूषा में लोगों को जागरूक करते दिखाई दिए। भीड़ भरे बाजार में घूम रहे यमराज बने कलाकार लोगों से मास्क पहनने, दूरी बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। अपील ये भी कर रहे हैं कि बेवजह घर से बाहर ना निकलें। अपील के साथ साथ यमराज ने इस बात के लिए भी डराया कि जो लोग कोरोना नियमों का पालन नहीं करेंगे उन्हें वो यमराज अपने साथ ले जाएंगे। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली की सड़कों पर यमराज और यमदूत उतार दिए। मकसद साफ है कि लोग कोरोना महामारी से डरें और अपने घरों में रहें, बेवजह घरों से ना निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और मास्क लगा के रखें। कालकाजी थाने की पुलिस ने अनूठी पहल करी है और आप देख सकते हैं यहाँ पर यमराज और दो यमदूत हैं, वो यहाँ पर लोगों को सीधे तौर पर चेतावनी दे रहे हैं, लोगों को जागरूक होने के लिए कह रहे हैं कि अगर मास्क नहीं लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करेंगे तो यमराज के साथ जाना पड़ सकता है। ये बीमारी काफी भयावह रूप ले रही है और आप देख सकते हैं नेहरू प्लेस काफी व्यस्ततम मार्केट है, यहाँ पर तमाम ACP और जो SHO हैं वो यहाँ पर हैं और देखिए किस तरह से यमदूत लोगों को बोल रहे हैं कि भीड़ भाड़ इकट्ठा ना करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें। और यहाँ पर ये नज़ारा इसलिए दिल्ली पुलिस ने तैयार किया है कि लोग इससे अवेयर रहें, जागरूक रहें और बेवजह घरों से ना निकलें। हम यमराज से बात करने की कोशिश करते हैं, यमराज से लोग डरते हैं और कोरोना से भी लोगों को डरना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, कोरोना यमराज के रूप में ही घूम रहा है। अगर आप नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आपकी जगह यमलोक में ही होगी, इसीलिए ये यमराज का गेटअप लेके हम लोग दिखाना चाह रहे हैं, दर्शाना चाह रहे हैं कि आप लोग अपने घर में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, बिना वजह घर से ना निकलें, मास्क लगा के रखें, जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करें। दिल्ली पुलिस ने कोरोना महामारी से लोगों को बचाने के लिए अब दिल्ली की सड़कों पर यमराज और यमदूत उतार रखे हैं और मकसद साफ है कि लोग इस बीमारी से डरें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आप देख सकते हैं ये वो कलाकार हैं जिन्हें यमराज और यमदूत की शक्ल दी गई है और मकसद साफ है कि दिल्ली में जो कोरोना के केस बढ़ रहे हैं उसमें लोग पुलिस की बात माने और कोविड गाइडलाइन का पालन कर। हमारे साथ बात करने के लिए साउथ ईस्ट जिले के DCP RP मीणा साहब हैं। सर, ये यमराज और यमदूत आपने दिल्ली की सड़कों पर उतारे हैं, क्या मकसद है? मकसद एक ही है कि लोगों में अवेयरनेस फैले, लोग कोरोना की जो गाइडलाइंस है उनका पालन करें और अगर घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क लगाएं, अगर वो ग्रुप में है तो सोशल डिस्टेंसिंग रखें। और आप जैसा देख सकते हैं कि खुद यमराज यहाँ पे फेस शील्ड लगाकर आए हैं और इनका एक ही मकसद है कि अगर कोई कोरोना का पालन नहीं करेगा तो वो उनको अपने साथ लेके जाएंगे, क्योंकि इसका एक विजुअल इम्पैक्ट पड़ता है, इसलिए इस तरह का हम लोगों ने इन लोगों को हमारे साथ में, हमारी टीम में रखा है। और हम जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, खास करके जैसे बड़े मार्केट, नेहरू प्लेस, ये सब जगह हुई, वहाँ ये टीम के साथ जाएंगे